दिल्ली में पानी की किल्लत की हालत क्या है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं किस तरह से ये टैंकर आया है। और टैंकर के आते ही आप देखिए कि यहाँ पे पानी भरने के लिए भीड़ है, लोगों को कितनी समस्याएं होती हैं, पानी नहीं आ रहा है। साथ में NDMC से आप हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ इनसे पता करिए। देखिए NDMC के लोग लगाए गए हैं जिससे कि आपस में कोई मारपीट ना हो, किसी तरह का कोई विवाद ना हो। लोग मुंह लगा के पानी खींचने को मजबूर हैं। और देखिए पाइप की, मैं कैमरा दिखाएं किस तरह लोग मुंह लगा के पानी खींच रहे हैं, यानी पूरा पानी जूठा हो रहा है और उसके बाद पाइप लगा के। और ये देखिए बच्चा गिर गया, और ये देखिए धक्का मुक्की शुरू हो गई है, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं और यहाँ पे पूरा पानी भरने के लिए तमाम लोग। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माताएं हैं, बहनें हैं, वो यहाँ पे लगातार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ आए और इस तरफ भी दिखाएं किस तरह से एक टैंकर के पीछे हजारों लोगों की भीड़ है। कैमरामैन पूरी तरह से दिखाएं कि जनता कितनी परेशान है पानी के लिए। यहाँ पे पुलिस लगाई गई है व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि किसी तरह की मारपीट ना हो। और लगातार ये स्थिति पूरे दिल्ली की है, दिल्ली में तमाम इलाकों में यही हालात हैं, पानी आता नहीं है, लोग पानी के लिए लगे हुए हैं। और ये देखिए कैमरामैन से कहूँगा कि इधर आएँ और दिखाएँ कि किस तरह लोग यहाँ पे आके पानी भरने के लिए परेशान हैं और पानी भर रहे हैं और दूर दूर से आ रहे हैं। कितने बजे से पानी आ रहा है? 8 बजे। और ये कब से चल रहा है, ये हालात कब से हैं? काफी दिन से यही हालात हैं। तो दिल्ली सरकार को सोचना होगा। ऊपर कैमरामैन ऊपर दिखाएं कि किस तरह पाइप को लेते हैं और ये नीचे पानी आता है, लोग आपस में लड़ जाते हैं, जल्दी से पानी मिल जाए, पानी की जो समस्या है वो जल्दी सॉल्व हो जाए। और पर ये समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेता है। माताजी कितने दिनों से ये समस्या चल रही है? ये तो गलत है। और क्या पानी साफ आता है? पानी तो साफ है, अपन टाइम से नहीं आए। कितना किसी का देख लेना तुम, अभी पानी हाथ में आया। तो कई लोगों का कहना है कि टैंकर के में पानी खत्म हो जाता है। आप देखिए कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे भी लगे हैं, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ के बच्चियां लगी हुई हैं, तमाम घर के लोग लगे हुए हैं यहाँ पानी भरने के लिए। और पानी किस तरह से भर रहे हैं, एक एक बूंद पानी की कितनी कीमत है, कितनी किल्लत है इस इलाके में पानी की। और ये कमोबेश स्थिति पूरे दिल्ली की है। दिल्ली में जिस तरह से पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है वो यहाँ दिखाई देता है। कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाएं, इधर किस तरह से विदेश से पत्रकार आए हैं भारत की स्थिति को दिखाने के लिए। आप देखिए विदेशी मीडिया भी है यहाँ पे जो लगातार अपनी चीज़ों को कवर कर रहा है। तो तमाम इस तरह के लोग हैं जो आके, आप देखिए दिल्ली सरकार में किस तरह से दिक्कतें हैं, किस तरह से पानी भरने के लिए लोगों में मारामारी है, लोग पानी भर रहे हैं। एक ही टैंकर, अब बहुत ही जल्द ये टैंकर ख़त्म हो जाएगा। और ये टैंकर ख़त्म होने के बाद वो लोग बच जाएंगे जो लोग भर नहीं पाएंगे, और वो इंतज़ार करेंगे दूसरा टैंकर आने का। पर लोगों का कहना है कि टैंकर बहुत कम आते हैं, अब पानी की किल्लत बहुत ज़्यादा है। देखना होगा दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को कब तक पानी मुहैया करा पाती है। कैमरामैन पवन के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।